बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सके तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंड ही क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है बुंदेलखंड को उससे उभारना है, और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दूर था, आज दूरी घट चुकी है, आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के तरसता था, ऐसा नहीं कि यहां जल की मात्रा कम रही हो, यहां पे सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में था। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड की पेयजल की स्कीम को बनाया था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया, और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब व्यक्ति को जीने के लिए इस ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को और आसान बना देना, जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है। और भाइयों बहनों, दवा का खर्चा बचेगा, घर में जल की उपलब्धता होगी, बहन और बेटियों को जल लेने के लिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान उससे हुआ। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है, और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राज चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे होंगे ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। माफिया कहीं भी छुपा होगा, अवैध माफिया जिसने अवैध तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटा होगा, किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा, अगर अभी तक खाली नहीं हुआ है तो अब ब्याज सहित उसको खाली करवाने की तैयारी चल रही है। व्यापक पैमाने पे हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए
आज्ञाओं के लिए काल बनकर के उतर चुकी है सब। और भाइयों बहनों, अब इनकी संपत्ति के लिए आवास बनाने का कार्य उनकी संपत्तियों पर करेंगे, महिला संरक्षण गृह बनाएंगे। अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंडी क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को उससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा